Hey everyone, welcome back. मैं हूँ प्रसून पांडे और ये है मेरा चैनल प्रसून क्लैश व्लॉग्स. नॉर्मली तो मैं सिर्फ क्लैश ऑफ क्लैंस की वीडियोज़ डालता हूँ, बट आज सोचा कि मुझे काउंटर स्ट्राइक भी अच्छा लगता है, तो देखते हैं काउंटर स्ट्राइक का भी एक वीडियो डाल के. काउंटर स्ट्राइक का मेरे पास 1.6 ही वर्जन है. मेरे पास काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव नहीं है क्योंकि मेरे लैपटॉप में उतने स्पेसिफिकेशंस नहीं है, बट कोई बात नहीं, इसमें भी उतना ही मज़ा आता है. अब आप पूछेंगे कि मैं अपने फ़ोन से क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. वो इसलिए क्योंकि मेरे लैपटॉप में है बस 2 GB रैम, और अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करूँ और एक गेम भी चलाऊँ साथ में, तो एक पूरा गेम बहुत स्लो हो जाता है और अटक अटक के चलता है. मैंने ट्राई किया, कोशिश की मैंने, बट नहीं हुआ. तो कोई बात नहीं, इसी से हम लोग खेलेंगे. तो अब मैं सर्वर पे खेलने वाला हूँ. ये रहेगा मेरा नाम, अगर फोकस सही है तो. ये रहा मेरा नाम प्रसून. सो चलिए खेलते हैं. सो ओके, मैं एक चीज़ तो भूल गया, मुझको इंटरनेट से कनेक्ट भी तो करना होगा. सो पहले गेम बंद करता हूँ और ओह बैटरी भी कम है, रुकिए चार्ज में भी लगा दूँगा. ये मैंने इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, अब तब तक के लिए ये रहा. कनेक्ट हुआ, हो जा, हो गया कनेक्ट. और वापस चलते हैं यहाँ पे और इसको करा ऑन. अच्छा वेट, मैं इस विंडो को भी बंद कर देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर काउंटर स्ट्राइक को मिले. ओके सो अभी आप होपफुली मुझको यहाँ पे देख पा रहे थे स्क्रीन के रिफ्लेक्शन की वजह से. सो फाइंड सर्वर्स, रिफ्रेश. ओके कूल, इस सर्वर में भी जगह है तो सॉरी डेथ मैच नहीं, कोबरा फैमिली VIP सर्वर. ओके कूल, ये मेरे फेवरेट सर्वर्स में से है जैसे कि आपने स्पेसिफिक यहाँ पे देखा होगा. अभी आप देख सकते हैं मुझको, हेलो. सो होपफुली ज़्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि हर बार तो लेता है, इस बार शायद ना ले. आज थोड़ा अच्छा चल रहा था काउंटर स्ट्राइक, और प्लीज़ इस बात के लिए माफ़ कर दीजिएगा कि मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ़ोन से. सो ये सर्वर में मैं बहुत बार खेलता हूँ, मुझको बड़ा अच्छा लगता है इस सर्वर में. इसमें लेटेंसी मेरी कम मिलती है, यहाँ देख सकते हैं 18, 17 ऐसे जा रही है, तो इसलिए अच्छा लगता है, तो मैं खेलता हूँ इस पर. इस सर्वर का एक खासियत ये है कि जैसे अभी मैं काउंटर टेररिस्ट में हूँ और अगर मैं मर गया हूँ तो फिर अगर जो आप स्पेक्टेट करने का आता है तो सिर्फ आप अपने ही प्लेयर को स्पेक्टेट कर सकते हैं. अभी तो मैं क्लिक कर करके नहीं दिखा सकता क्योंकि सिर्फ इकलौता यही प्लेयर बचा था. अगर सारे प्लेयर मर जाएंगे तब आपको फ्री लुक मिलता है. सो यहाँ हूँ मैं, लेट्स स्टार्ट. फेमस लूँगा और स्मोक ग्रेनेड इसमें नहीं खरीदने देते हैं, कहते हैं कि वो सिर्फ VIPs के लिए, और VIP के लिए आप लोग जानते ही हैं कि मंथली पैसा देने पड़ते हैं, तो वो VIP तो कौन खरीदे, मैं तो नहीं खरीदूँगा. सो अभी मेरे पास फ्लैश है, काम करना चाहिए. हेडशॉट तो नहीं, बट ओ नो आई कैन गेट अनदर. लेट्स हाइड बिहाइंड दिस. एक ग्रेनेड, आई थिंक मैंने उसको मार दिया था. मैं सोचा वो जब तक फ्लैश बैंक से उसको परेशानी रहेगी तब तक मैं आराम से हेल कर पाऊँगा, बट कोई बात नहीं, अच्छा था, शुरुआत अच्छी हुई. और अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि सिर्फ हम लोग अपने ही प्लेयर से चेक कर पाते हैं. अगर मैं यहाँ पे माउस का क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर लगता है सिर्फ सैम बचा है. ओके सिर्फ सैम बचा है, और टेररिस्ट तो बहुत ही खतरनाक खेल रहे हैं, उनके 17 विंस है और हमारे 2. सो मज़ा आएगा, हारने वाली टीम में रहने का अलग मज़ा होता है. तो ये ठीक है, केवला और एक फ्लैश बैंग. लेट्स गो, लेट्स मूव. पिछले बार शॉर्ट ए से आए थे तो होपफुली इस बार भी शॉर्ट ए से आएंगे और मैं इस बार एक अच्छी पोजीशन में रहूँगा उनको मारने के लिए. यहाँ पर कुछ तो प्लेयर्स जा रहे हैं, अगर वो लोग दे आ रही है. जाओ नीचे जाओ, मैं अकेले नहीं जाने वाला. मैं अकेले नहीं जाऊँगा, कोई जाओ बढ़ो आगे. वेल डन, ओ फ्लैश बैंग. मेरे प्लेयर्स फ्लैश हैं, आई डोंट केयर, बट मुझको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो यार नीचे तो नहीं है. ओ नो, यहाँ पर अली नाम का कोई प्लेयर तो है. उसने मुझे मार दिया, बट मैंने उसको 28 डैमेज किया. कोई बात नहीं, फिर से टेररिस्ट जीत गए. बहुत ही अजीब हो रहा है, बट कोई बात नहीं, हम लोग मेहनत करके ट्राई करेंगे खींचने का. फ्लैश ब्रांच है, मैं किस साइड से जा सकता हूँ इस बार? ए लॉन्ग से जाएँ क्या? ओके लेट्स ट्राई ए लॉन्ग से. मुझे फेमस अच्छी लगती है कि इसमें बर्स्ट मोड जो है वो बहुत काम का आता है. ये लो.
ओह फिर से अली ने मारा। अली इस बार ऑफ लिया हुआ था, ये तो गलत बात है यार। सो अभी मैं अगर क्लिक करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं एजेंट 007 और यहाँ पर श्रोडिंगर के बीच में मेरा चेंज हुआ, यानी कि सिर्फ मैं अपने ही टीम के प्लेयर्स को इसका स्पेक्टेट कर सकता हूँ। इससे ये होता है कि आप एनिमी टीम के प्लेयर को स्पेक्टेट करते हुए चैट में ना बता दें, ये अच्छा लगता है तो इसलिए खेलता हूँ। प्लस हाँ वो वजह तो है ही कि इसमें लेटेंसी कम आती है। चलिए देखते हैं हमारे नंबर वन कौन है, एजेंट 007। सो एजेंट 007 का ही हम लोग देखेंगे, होपफुली कुछ सीख सकें। ओके स्प्रे किया, इस गन का नाम ये गन मुझे पहले बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि ये जूम भी करके मार सकती थी और वाह अच्छा खेल रहा है, और ऐसे भी मार सकती थी। इसको भाग जाना चाहिए, अभी रिस्क क्यों ले रहा है। अच्छा बी में नहीं प्लांट है क्या, तब ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसकी गन सेव हो जाएगी। और नहीं गन सेव नहीं होगी, हाँ क्योंकि एक और चीज़ है जो इस सर्वर की जो मुझको पसंद एक्चुअली नहीं है, वो ये है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव पार ना ले पाएँ, जैसे कि इस सर्वर में है, मतलब सर्वर क्या काउंटर स्ट्राइक में है, काउंटर टेररिस्ट को है कि आपको बॉम्ब डिफ्यूज़ करना है और टेररिस्ट को है कि बॉम्ब प्लांट करना है, तो आपको आपके प्लेयर को मार दिया जाएगा। अरे यार इतनी सारी हेल्थ नहीं जाओ, कौन मार रहा है, आजा आजा आजा। वेल डन, सब के सब यही करो, आके मेरे सर पे मार दो। और हाँ एक चीज़ और, लास्ट चीज़ जो इस सर्वर की मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि इस सर्वर में ऑटो बैलेंस करता है, मतलब इसमें ऐसा सिस्टम है कि वो ऑटोमेटिकली टीम को चेक करते रहेगा कि किसी टीम को अनफेयर एडवांटेज, अनफेयर नहीं मतलब एडवांटेज तो नहीं है, कोई किसी में ज़्यादा ही अच्छे प्लेयर तो वो टीम जीतते रहेगी, जैसे टेररिस्ट के साथ अभी। और कौन है, मैंने किसी को मारा, किसी को मारा बिल्कुल भी नहीं, अभी तक एक ही को मारा और 5 बार मारा हूँ, कितना बेकार खेलता हूँ। कोई बात नहीं, एक बार मैं डेथ मैच के सर्वर पे खेल रहा था, आधा घंटा खेला था, 69 को मारा था, 50 बार मारा था और वही मेरा बेस्ट स्कोर होगा। वाह 007 इतने दूर से भी हेडशॉट ले लिया, दैट्स ग्रेट, अब प्रोफेशनल्स होते हैं। इसको यहाँ नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से, इतने सारे टेररिस्ट हैं, इसको डेफिनेटली किसी और सिटी के पास, अच्छा कोई बचा ही नहीं था, अलेक्जेंडर यहीं पर छुपा पड़ा है। सो इस सर्वर में होता ही है कि हर राउंड के स्टार्टिंग में इनका जो प्रोग्राम है सिस्टम जो भी इन्होंने डेवलप किया है वो चेक करता है किसी एक टीम में ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे प्लेयर तो नहीं है, और अगर हाँ हैं तो अगले बार ये लोग मैच कर देता है, मतलब किसी प्लेयर को इधर का उधर भेज देगा। जैसे कि इस राउंड के स्टार्टिंग में लिखा आया था कि ऑटो टीम बैलेंस इन द नेक्स्ट राउंड, तो यानी अगला जो राउंड होगा उसमें से उनका कोई प्लेयर हमारे में आ जाएगा, सो होपफुली हम लोग भी जीतना फिर शुरू कर सकेंगे। ओके लेट्स गो लेट्स गो, ऊपर से जाऊँ या नीचे से जाऊँ, ऊपर से जाऊँ, चलिए यहीं रहते हैं। ओह नो उसके पास ऑफ है, मैं गिर के मर जाऊंगा, मैं तब दिमाग में आया जब मैं कूद गया। ओ यार मुझको गन को ऑटोमेटिक पे करके बाहर निकल के ट्राई तो कर सकता था, कूदना बिल्कुल नहीं चाहिए था, अगर कूद रहा भी था तो उस वहाँ जो क्रेट से उन पर कूदना चाहिए था, डेफिनेटली एक गलती थी मेरी तरफ से, कोई बात नहीं सुधर जाएगी। फिर से ऑटो टीम बैलेंस अगले राउंड में लिखाया, तो क्या अभी भी टीम को बैलेंस नहीं किया। सो गन को सेट करेंगे बर्स्ट मोड पे, दूसरे में ओके आने वाले होंगे वो लोग, फ्लैश बैंग फ्रेंड वहाँ मत जाना अभी नहीं, हाँ आप जाओ, कोई आ रहा है, आवाज़ नहीं दे रही है, नहीं नहीं सुनाई दे रही है। अरे यार कौन है, यस मैंने एक हेडशॉट लिया,
बट हेल्थ बहुत कम हो गई। बॉम हैज बीन प्लांटेड और ओह मैं मार सकता था उसको, मार सकता था ओ, लेकिन मैंने एक और को मारा, कोई बात नहीं। आइडियल भी कौन है यहाँ पे, टी हंटर कुछ कह रहा है कि अगला राउंड हम लोग को जीतना चाहिए। हाँ जीतना तो चाहिए यार। ए जेन 007 तुम ऐसा कैसे शॉट मिस कर सकते हो, मत ट्राई करो, तुम्हारे पास डिफ्यूजल किट भी नहीं है, भाग लो यहाँ से। अरे यार बेवकूफ़ है क्या, इतना अच्छा खेलता बेवकूफ़ तो लगता नहीं है। अपने ऑप अच्छा बचाने से भी क्या मतलब, मैं ही भूल गया था कि क्योंकि वो ऑटो किल रहता है, मार ही देगा। तो ये क्या कर रहा है, गोलियां पसंद नहीं, उड़ाए जा रहे हो, कोई नहीं आ रहा मेरे साथ, सब लोग ए लॉन्ग में, चलिए मैं भी ए लॉन्ग में। ओ बॉय वहाँ पे एक ऑपर है, ओ आई वॉज फ्लैश, हेल्प मी, नो 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 नो, एक और फ्लैश, हाँ फ्लैश पे फ्लैश पे फ्लैश। ओह मैं लगभग उसको मार था यहाँ, 67 डैमेज किया, अगर उसके दोस्त नहीं आते ना तो पक्का एक और हिट मिल जाता मुझको। सो मैंने 3 को मारा है, 8 बार मारा हूँ, कोई बात नहीं। टी हंटर ऑप लेके सही पोजीशन पे तो नहीं है वो, क्योंकि टेररिस्ट डेफिनेटली आगे बढ़ चुके होंगे। चलिए देखते हैं वो लोग है कहाँ। अरे हाँ मैं फिर से भूल गया कि हम लोग अपने ओपोनेंट टीम का नहीं देख सकते हैं, जो लोकल सर्वर्स और बाकी सर्वर्स का याद आ रहा, जिसमें आप ई दबा के देख सकते हैं सारे प्लेयर्स कहाँ घूम रहे हैं अपोनेंट के आपके। सो मैं वही सोचा था कि टेररिस्ट अभी ए लॉन्ग में होंगे, पर ये तो ए शॉर्ट में जा रहा है और वही चेक करने वाला था, बट कोई बात नहीं। होपफुली हॉन्टर को यहाँ से एक शॉट मिले, अच्छा पिक मिले। ओ किल हिम, और होंगे, और होंगे हॉन्टर, जूम आउट करो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। क्या कोई टेररिस्ट नहीं बचा क्या, नहीं बचे तो हैं, डिफ्यूज़ करना शुरू करना चाहिए एक को और दूसरे को। डिफ्यूज़ नहीं कर रहे ये लोग बॉम्ब, आर यू किडिंग मी, डिफ्यूज़ करो, पागल वागल है क्या ये, मतलब यार क्या वजह, आराम से जीत सकते थे, बॉम्ब ही नहीं डिफ्यूज़ करने का मन है क्या आप तुम्हारा, ऐसे कौन करता है। अगर मैं होता तो डिफ्यूज़ कर देता, भले ही डिफ्यूज़ल किट नहीं है मेरे पास। सब लोग जाएंगे कहाँ, वहीं मैं जाऊँगा। आ रहे हैं, उसको मैं और आगे कर सकता हूँ ताकि कोई यहाँ पे भी हो तो वो भी फ्लैश हो जाए। ओह नो सीधा मेरे सर पे, कौन था उसका नाम, पार्टीजन, पार्टीजन, कोई बात नहीं, मार दिया सो मार दिया, अगले बार ध्यान से खेलेंगे। ओके हेमोजेमी फैन, हा हा वेल डन, अपने आप को एक्सपोज कर दिए, बस अब रैकेट ही बचा है। साइड ए हॉन्टर कह रहा है साइड ए, एनी प्लान, पूछता हूँ हॉन्टर से। आई डोंट थिंक यू रैकेट ये कर पाएगा यार, रैक्ट जो भी नाम है इसका, आर ई तो, और नहीं बिल्कुल नहीं, जान बचाओ, छुप छुप क्यों, पर एक ऑप तो पार कर ही जाएगी क्रेट को। देन टनल टू साइड ए, ओके हाँ, ओ नो 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 नो, वहाँ पे ऑपर है, अरे रे रे रे, सब के सब यहीं आ रहे हैं। यस आई पिक्ड वन ऑफ देम, मुझे लगा था यहाँ बहुत सारे आने वाले हैं। आह थोड़ा लेट आया, नहीं तो मेरे एकदम क्रॉस बोर्ड में था। कौन मारा वैसे मुझको, फर्जू रेस फर्जू, अच्छा सॉरी वो तो नंबर वन चल रहा है, डेफिनेटली मैं उसको नहीं मार पाता। वाओ एजेंट 007 बहुत ऑसम है, 37 को मारा, 22 बार मारा है, लास्ट राउंड इसके बाद। ओके तो इसके बाद एक राउंड और खेलूँगा और फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, होपफुली हम लोग ये वाला राउंड जीत जाएं, पोजीशन अच्छी चल रही है। एजेंट 007 पे मुझे बस विश्वास है, गो किल हिम किल हिम किल हिम, वेल डन।
ये बहुत समय बाद हम लोग एक राउंड जीते हैं। इस बार मैं लेने वाला हूँ मैवरिक और फ्लैशमैन। ओके कूल, एक स्मोक। क्या हमारे में एक वीआईपी है? ओह नो नो नो, मैं थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो मैं बच जाता। ओके बाप रे, आगे तो भयानक लड़ाई हो रही है। ओ वहाँ पे है, लो तो फिर और लो। शुड आई गो? हाँ कोई तो था। यस मैंने दो को मारा, ऑसम। ओ नो, हट नहीं पाया। सो लास्ट में हमारा स्कोर हुआ है 6 को मारे 11 बार मारे, बट कोई बात नहीं, अगले बार और अच्छा कर सकते हैं। सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरी स्किल्स तो डेफिनेटली नहीं बोलूँगा, बट जो भी मैं खेला आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और कमेंट कर दीजिए कि क्या एक नया मतलब काउंटर स्ट्राइक का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा या ना लगा। और मैं रोज़ एक वीडियो लाता हूँ, या तो क्लैश ऑफ क्लैंस का या फिर कोई और गेम, बहुत ही रेयरली, लेकिन तो जहाँ तक क्लैश ऑफ क्लैंस का मेरा चैनल है, अगर आपको माने तो नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तब भी नीचे डिसलाइक करके मुझे बता दीजिए कि क्यों नहीं अच्छा लगा, और मैं आप लोग से फिर कल मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।